मेरा नाम डिवाइन है, कोई पहचान है क्या? यहाँ पे किसी को हिप हॉप पसंद है क्या? तो कौन बजेगा मेरे साथ? सिम्बा में एक धमाकेदार पुलिस वाले का किरदार निभाने के बाद रणवीर सिंह अब एक रैपर के रोल में दिखेंगे। जी हाँ, गली बॉय नाम की मूवी आ रही है रणवीर सिंह की, और इसमें इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की जा रही है। गली बॉय का एक टीजर सॉन्ग रिलीज किया गया है जिसमें रणवीर सिंह रैप करते नजर आ रहे हैं। जोया अख्तर के इस डायरेक्टोरियल वेंचर की चर्चा फिल्म की शूटिंग शुरू होने के वक्त से ही होने लगी थी। फिल्म मुंबई के स्ट्रीट रैपर्स की लाइफ पर है और रणवीर का किरदार मुंबई बेस्ड रैपर डिवाइन पर आधारित है। आइए जानते हैं कि कौन है रैपर डिवाइन। रैपर डिवाइन का असली नाम है विवियन फर्नांडिस। इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये 12वीं फेल हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सफलता का एक अलग ही मकाम हासिल किया। 27 साल के विवियन अपने स्टेज नेम रैपर डिवाइन के नाम से जाने जाते हैं। डिवाइन मुंबई के अंधेरी ईस्ट और कुर्ला की गलियों और चौल में बड़े हुए। सिंगल मदर की परवरिश में बड़े हुए डिवाइन को शुरू से ही रैप का शौक था। 80 के दशक में मुंबई के ज्यादातर रैपरों की तरह उन्होंने भी अंग्रेजी में गाना शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हिंदी में स्विच कर लिया। पहले उन्होंने क्रिश्चियन रैप में हाथ आजमाया। इस दौरान कुछ सालों के लिए वो क्रू मुंबई फाइनेस्ट का हिस्सा भी रहे, और इसी दौरान उनको नाम मिला डिवाइन। विवियन ने 2011 में अपना करियर अंडरग्राउंड रैपर के तौर पर शुरू किया। विवियन पहले इंग्लिश में रैप किया करते थे, लेकिन बाद में वो हिंदी की तरफ मुड़ गए। साल 2013 में आया डिवाइन का सॉन्ग ये मेरा बॉम्बे ने डिवाइन को रातों रात स्टार बना दिया। सॉन्ग को 2014 में रोलिंग स्टोन इंडिया की तरफ से बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद डिवाइन को कई बड़े लेवल से ऑफर मिला, जिसमें सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ उन्होंने कई सॉन्ग रिलीज किए। 2016 में डिवाइन ने अपना सिंगल डेब्यू एल्बम जंगली शेर रिलीज किया, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ। इतना ही नहीं, डिवाइन ने डीजे न्यूक्लिया के साथ भी कई सुपरहिट कोलैबोरेशंस किए। 2018 में सोनी म्यूजिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डिवाइन ने अपना खुद का लेबल स्टार्ट किया, गली गैंग रिकॉर्ड्स, जिसके तहत उन्होंने सॉन्ग वन साइड रिलीज किया। डिवाइन ने वेब सीरीज और फिल्म के लिए भी कई रैप और म्यूजिक किया है। फिल्म मुक्काबाज के लिए पैंतरा और ब्लैकमेल के लिए बदला सॉन्ग। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स के लिए ओरिजिनल स्कोर डिजाइन किया। डिवाइन के मुताबिक गली बॉय उनकी बायोपिक नहीं, हालांकि फिल्म का काफी हिस्सा उनके लाइफ से इंस्पायर्ड है। फिल्म के टीजर को कुछ ही घंटों में कई मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म का ट्रेलर 9 जनवरी को रिलीज होगा और फिल्म 14 फरवरी को थिएटर्स में आएगी।